खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या हुई थी जून महीने में इसी साल, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को ये ख्याल 3 महीने के बाद आया। और ये जो ख्याल आया, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर कि इसमें भारत का हाथ है, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन लोगों ने ही इस खालिस्तानी जो आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या करवाई है। कुछ 40-50 गोलियां मारी गई थी गुरुद्वारे के बाहर के अंदर, वो पता नहीं, लेकिन मारी गई थी। और इसको लेकर जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा वाले, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, इनका प्यार उमड़ आया और इस समर्थन में इन्होंने ये बयान दिया, जिसके चलते इनकी हर तरफ से किरकिरी हो रही है। अब जो भारत के एक पूर्व राजनयिक हैं दीपक बोहरा, जो पोलैंड और सूडान में राजनयिक रह चुके हैं, इन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो की और भी ज्यादा किरकिरी हो रही है। कहानी यह है कि जब G20 भारत में हुआ था दिल्ली में, तो जस्टिन ट्रूडो के प्लेन से जो स्निफर डॉग होते हैं, इन्होंने कुछ सूंघ लिया था और कुछ कोकेन वगैरह की सुगंध वहां पर पाई गई थी, जो स्नाइफर डॉग्स होते हैं उन्होंने सूंघ लिया था, जिसके चलते इनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी जो भोज वगैरह होना था, वहां पर ये जस्टिन ट्रूडो नहीं पहुंचे हुए थे। कहा यह जा रहा है कि उस वक्त ये माल फूंक कर एकदम मस्त थे, नशे में चूर थे, जिसके चलते ये वहां पर पहुंच नहीं सके। और जिस दिन ये भारत से कनाडा जाने वाले थे, उस दिन कहा गया कि इनका प्लेन खराब हो गया है। इनको सारी सुविधाएं भारत से दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये यहां पर जो इनका कई तरह का अपमान भी हुआ है, कई तरह से इनकी ट्रोलिंग हुई है, और इसी का बदला लेने के लिए जब ये कनाडा पहुंचे, तो वहां पर ये उन्होंने मुद्दा उठा दिया। 3 महीने के बाद याद आया कि उसकी मौत हुई है और उसमें इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है। चलो मान लेते हैं इंडिया का हाथ होगा भी, तो अच्छी बात है, आतंकी ही तो मारा गया है, तो आतंकियों को पालोगे पोषोगे तो जैसा हाल पाकिस्तान का हुआ था, वही हाल कनाडा का भी होने वाला है, और इससे बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि सारा देश जो है, चाहे अमेरिका हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी देश हो, सब भारत के साथ खड़े हैं और कनाडा के विरुद्ध में खड़े हो गए। और ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये भी जेलेंस्की जैसा ही है। जेलेंस्की और जस्टिन ट्रूडो कहीं पर नजर आए थे बाहर निकलते हुए, तो बहुत सारी गालियां इनके देश वाले दे रहे हैं कि तुमने देश को पूरा बर्बाद कर दिया खालिस्तानियों को पाल पाल कर। तो ये चीज अभी फिलहाल नजर आ रही है जो दीपक वोहरा ने कही है, कि जस्टिन ट्रूडो जो है ये माल फूंक कर नशे में चूर थे उस दिन जब G20 चल रहा था।